हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ओल्ड बुक अकेडमी चैनल पर। और आज हम फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस देखेंगे, बाकी ऑब्जेक्टिव्स हो गए, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग हो गई एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कह सकते हैं, टाइप्स और सब फील्ड, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हमारी अगर हम बात करें ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की, तो हमारा फर्स्ट आ जाता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में, फर्स्ट हमारा आ जाएगा फाइनेंशियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर थर्ड हमारा आ जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। और थर्ड हमारा आ जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो ये हमारे जो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की बात हो गई। अब इन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में अगर हम बात करें, तो जो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम क्या देखते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद में कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारा होता है कंपनी के केस में, जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो हमारी कंपनी के केस में होती है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कॉस्ट को निर्धारित करते हैं। क्या होते हैं कॉस्ट को, जैसे कोई कंपनी क्या करती है, मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, क्या करती है, मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है। तो इस मोबाइल की कॉस्ट अगर हमें निकालनी होगी, तो भाई क्या करती है, ये मैन्युफैक्चर करती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, ये मैन्युफैक्चर की अगर बात करें, क्या मैन्युफैक्चर कर रही है यहाँ पे, ये मोबाइल। मैन्युफैक्चर कर रही है मोबाइल, मैन्युफैक्चर कर रही है। तो इस मोबाइल की क्या निकालनी होगी हमें, कॉस्ट, इसकी कॉस्ट। कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ती है। किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट जानने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद में है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर बात करें, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी किस में हेल्प करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हमारी हेल्प करता है वो करता है हेल्प द मैनेज मैंट इन
डिसीजन, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में करता है, डिसीजन मेकिंग में किसमें करता है, डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में। तो यहाँ पे हमारा जो, अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो करता है वो हेल्प करता है हमें किसमें करता है, कि द मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग, मतलब मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करेगा। तो आई होप ये आपकी जो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हो गए होंगे इसमें, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हमारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग अगर बात करें तो हमारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी जिसमें हम क्या प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग थी जिसमें हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निर्धारित करते थे, कॉस्ट फाइंड करते थे, उसके बाद में आ रही थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी क्या होती है, जो क्या करती है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हमारी मेन तीन थे, उसके बाद में और भी हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा, अब मैं इसे आप नोट कर सकते हैं, मैं रेज करने वाला हूँ उसे। चलिए, उसके बाद में हमारी आती है टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स टैक्स अकाउंटिंग, फिर आती है हमारी सोशल सोशल अकाउंट सोशल अकाउंटिंग, सोशल इसे हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अकाउंटिंग। तो ये हमारी कितनी हो गई, फाइव। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग की अगर बात करें तो टैक्स अकाउंटिंग क्या करता है, हेल्प टू कंप्यूट, यहाँ पे करेंगे हेल्प टू कंप्यूट, हेल्प टू कंप्यूट इनकम टैक्स एंड जीएसटी। तो जीएसटी का आपने चैप्टर आगे पढ़ेंगे, सॉरी अभी पढ़ा नहीं है आपने, आगे पढ़ेंगे, और अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप जानते होंगे जीएसटी क्या होता है। सारे जो हमारे टैक्स थे, सेल टैक्स से वगैरह जो भी जितने प्रकार के हमारे होते थे, उन्हें सबको मर्ज कर करके क्या बना दिया, जैसे बैट वगैरह आप पहले देखते थे, बैट वगैरह हुआ करते थे, उन्हें सबको मर्ज करके उन्होंने एक कर दिया जीएसटी। ठीक है, तो आगे बाकी हम इसे क्लासिफिकेशन करेंगे आगे जब चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए। तो टैक्स अकाउंटिंग हम करते हैं टोटल जो भी टैक्स वगैरह होता है उसे कैलकुलेट करने का काम करते हैं। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो हमारी थी इसमें क्या करते हैं, बेनिफिट टू द, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसमें क्या कहा जा रहा है कि बेनिफिट टू द सोसाइटी जैसे, लाइक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम क्या दे सकते हैं, प्रोवाइडिंग 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 एम्प्लॉयमेंट, मैन पावर, मैन पावर सपोर्ट, मैन पावर सपोर्ट फॉर पब्लिक प्रोग्राम प्रोग्राम्स
एक्सेट्रा। तो ये हमारे स्टूडेंट्स ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। आई होप आपके ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होते हैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की बात की जा रही है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, अकाउंटिंग तो बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग की बात करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, ये जो थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं, आपने वो दोनों पार्ट इसके देख लिए होंगे तभी आपके समझ आ पाएगा, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले आपको दोनों पार्ट देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे बुक कीपिंग की। अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग में हमारा आ जाता आई एम आर सी। अब मैंने इसीलिए कहा था कि आप पहले फर्स्ट सेकंड पार्ट देख लीजिए तभी आपके समझ आएगा आई एम आर सी क्या है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग में आता है आई एम आर सी एस ए सी। तो ये हमारा क्या था, आइडेंटिफाई मेजर रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन कम्युनिकेशन हमारा लास्ट में था क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हमारा आइडेंटिफाई मेजरिंग रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन समराइजिंग एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेटिंग। तो ये हमारे क्या हो गया, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट में आ जाता है हमारे कि जो बुक कीपिंग है वो कैसा काम है, वो क्लर्क, वो क्या है, क्लर्क वर्क है। और जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो अकाउंटिंग कौन करता है, सी ए करता है। तो जब हमारी बुक कीपिंग एंड होती है तो वहाँ पे हमारी क्या शुरू हो जाती है, अकाउंटिंग। तो कहते हैं वेयर इज एंड ऑफ बुक कीपिंग, स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो जहाँ पे हमारी बुक कीपिंग एंड होगी वहाँ पे हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो थर्ड पॉइंट हमारा होता है, ये कौन करता है, जूनियर, जूनियर स्टाफ, ये जूनियर स्टाफ करता है, जूनियर स्टाफ करता है ये, ठीक है। और ये हमारा कौन करता है, सीनियर, सीनियर स्टाफ, सीनियर स्टाफ करता है। फोर्थ की अगर बात करें, जूनियर स्टाफ में हमारे क्लर्क वगैरह ये आ जाते हैं और सीनियर स्टाफ में जो हमारे सीए वगैरह होते हैं वो लोग, उनकी बात करिए। अब आ जाता है हमारा उसके बाद में रूटीन। तो ये किस, सॉरी, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं, फोर्थ पॉइंट हमारा ये होता है हमारा प्राइमरी स्टाफ और ये हमारा होता है सेकेंडरी स्टाफ। सेकेंडरी स्टेज स्टाफ लिख दिया मैंने, प्राइमरी स्टेज होती है ये हमारी स्टेज, प्राइमरी स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो प्राइमरी स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज, ये हमारी प्राइमरी स्टेज होती है और ये हमारी सेकेंडरी स्टेज होती है।
तो प्राइम लिस्टेड आप जानते हो, उसमें हम क्या करते हैं, सारी बुक मेंटेन करते हैं उनमें, ठीक है, एंट्री वगैरह करना रहता है, और सेकेंडरी स्टेज में उन्हें फाइनलाइज करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ हमारा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है ये हमारा कैसा होता है, रूटीन, रूटीन जॉब या रूटीन वर्क होता है, ठीक है, मतलब ये डेली करना ही करना है हमें, ठीक है। और ये हमारा कैसा होता है, एनालिटिकल, एनालिटिकल एंड, एनालिटिकल एंड डायनामिक, एनालिटिकल एंड डायनामिक, मतलब इसमें क्या है, एनालिटिकल एंड डायनामिक होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि पूरा जो हमने पूरे साल का जो हमने अकाउंटिंग करी, ठीक है, उसके आधार पे हम यहाँ पे रिपोर्टें तैयार करते हैं, ठीक है, रिपोर्टें तैयार करते हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारा सिक्स पॉइंट, इसमें हमारा किसी चीज़ की स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे किसी डिग्री वगैरह स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है हमें, बट इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या चाहिए होती है, स्पेशलाइज डिग्री होल्डर होना चाहिए, जैसे CA वगैरह हो गया, तो उसके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। तो ये हमारे पॉइंट, अभी हमारे इसमें एक पॉइंट नहीं, इसी में ही हमारा है, ठीक है। तो स्पेशल स्पेशलाइज स्किल है हमारा, ठीक है, स्किल्ड है, स्पेशलाइज स्किल, रिक्वायर्ड, ठीक है, नो स्पेशलाइज स्किल रिक्वायर्ड, अगर इसकी हम बात करें तो हमें इसमें स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें हमें स्पेशल स्किल क्या होता है, स्किल रिक्वायर्ड होता है, स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड होता है। तो ये हमारे बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग था जो आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आई होप आपके समझ में आ गया हो। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा क्या होता है प्राइमरी जो काम होता है वो किया जाता है बुक कीपिंग में। जैसे बुक कीपिंग में अगर हम बात करें, बुक कीपिंग हमारे यहाँ क्या क्या आ रहा है कि आइडेंटिफाई करना हो गया, फिर मेजर करेंगे और रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन, तो बस लेजर तक, मतलब यहाँ पे हम लेजर तक सीमित रहेंगे कि लेजर बनने के बाद हमारा काम खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अकाउंट ने आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग और एनालाइजिंग एंड द कम्युनिकेटिंग। तो ये हमारी आगे की प्रोसेस होती है जो हम कहाँ डिस्कस करते हैं, अकाउंटिंग में। तो ये अकाउंटिंग में तो खैर पूरा ही आ जाता है, लेकिन अगर हम बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग बस हमारी क्लासिफिकेशन तक रहती है कि हमने लेजर बना दिए कि हमारा काम खत्म हो गया, अब आगे हमारी अकाउंटिंग शुरू होगी, ठीक है। तो ये हमारा कैसा होता है, क्लर्क वर्क होता है, भाई क्लरिकल काम होता है, और ये हमारा CA द्वारा किया जाता है अकाउंटिंग, ठीक है। क्लर्क का काम होता है बस फीडिंग करना। उसके बाद में होता है जूनियर स्टाफ, ये हमारे जूनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है, और ये हमारा सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है, ठीक है, अकाउंटिंग। और ये हमारा प्राइमरी स्टेज होती है, जो हमारी बुक कीपिंग होती है प्राइमरी स्टेज होती है, अकाउंटिंग हमारी सेकेंडरी स्टेज होती है, और बुक कीपिंग हमारा रूटीन जॉब होता है, और ये जो हमारा अकाउंटिंग होता है एनालिटिकल एंड द डायनामिक होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर सिक्स की बात करें, नो स्पेशलाइज्ड स्किल रिक्वायर्ड, मतलब इसमें हमारा कोई भी स्पेशलाइज्ड स्किल रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट हम अकाउंटिंग की अगर बात करें, अकाउंटिंग हमारे स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड है, डिग्री रिक्वायर्ड है, वही कर सकता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो हमारा होता है, अगर बात करें जो ऑडिट करेगा, तो ऑडिट हमारा केवल और केवल कौन कर सकता है, CA कर सकता है, उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होती है डिग्री। और अकाउंटिंग की अगर बात करें, अकाउंटिंग के लिए हमारी स्किल जैसे टैली वगैरह हो गई, ये हो गई, तो ये हमारा उसके लिए जरूरी होता है, ठीक है, नॉलेज होना जरूरी है, मतलब अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आई होप ये आपके क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं।
आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और कल से हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग हमारी क्या होती हैं, यहां पे हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग ये कहा जा रहा है कि अकाउंटिंग के उद्देश्य बताइए, उद्देश्य क्या हैं। तो अगर अकाउंटिंग के उद्देश्य की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आ जाता है टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड एंड क्या थे, इवेंट, बताया था आपको पहले ही ना, इवेंट्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। हम क्या करते हैं, जो भी हम इवेंट वगैरह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करना हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है। उसके बाद में सेकंड है, सेकंड की बात करें टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना, ये हमारा सेकंड उद्देश्य हो गया। नंबर थर्ड की अगर बात करें टू डिटरमाइन, आइजन लगा दिया है मैंने, समझ जाएंगे आप लोग, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, उसके बाद में क्या है बैलेंस शीट बनाएंगे, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए। फोर्थ की अगर हम बात करें असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट असिस्टेंट टू असिस्टेंस टू मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, ठीक है। क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ऑफ बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, तो ये क्या बताता है कि आगे मैनेजमेंट को क्या डिसीजन लेना है, किस प्रकार से डिसीजन लेना है, कितना बोनस बांटना है, अगर लॉस हुआ है तो लॉस में क्या क्या खर्चों पर हमें क्या है पाबंदी लगानी, मतलब किन खर्चों को हमें रिड्यूस करना है, कम करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी असिस्टेंट ऑफ मैनेजमेंट किसके आधार पर लेता है, इन रिपोर्टों के आधार पर लेता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का मतलब हो गया कि भाई ये मैनेजमेंट को डायरेक्शन भी देता है। उसके बाद में फाइव पॉइंट की अगर बात करें कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, तो इन्फॉर्म ये यहां पे कह रहे कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। तो यूजर्स हमारे हमने पढ़े थे एक इंटरनल होते हैं एक एक्सटर्नल होते हैं, तो उन्हें क्या करता है कम्युनिकेट करता है, मतलब बताता है, ठीक है, बताने का काम करता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। अब हम एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे, तो ये नोट कर लीजिएगा, अगर नोट नहीं कराए वीडियो को पॉज कर करके।
एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, कि इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। तो एडवांटेज मतलब फायदे, तो यहाँ पे हमारा पहला हो जाएगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। तो एडवांटेज क्या है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इससे, ठीक है। अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें पता लगती है। नंबर दो की अगर हम बात करें, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, असिस्टेंट असिस्टेंस मतलब असिस्ट करता है मैनेजमेंट को आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो लगभग हमारी ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज और अकाउंटिंग लगभग कुछ कुछ सिमिलर ही होंगी। उसके बाद में थर्ड है हमारा रिप्लेसेस मेमोरी, अब रिप्लेसेस ऑफ मेमोरी की अगर हम बात करें तो इसका क्या मतलब है, यहाँ हमारा क्या कहा जाता है कि रिप्लेसेस ऑफ मेमोरी, क्योंकि हम क्या है वो एक कुछ लिमिटेड चीज़ें ही याद रख सकते हैं, ठीक है, लिमिटेड टाइम तक ही याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इससे मतलब है, यहाँ कहा जा रहा है क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन में किसमें करते हैं, रिकॉर्ड इन जर्नल, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं हम किसमें रिकॉर्ड कर देते हैं, जर्नल में। तो इसलिए रिप्लेस ऑफ मेमोरी हमें याद रखने की जरूरत नहीं होती है ट्रांजेक्शनों को। फैसिलिटेट कंपरेटिव स्टडी, कंपरेटिव स्टडी की बात करें, कंपेरिजन, कंपेरिजन जो होती है हमारी उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो क्या क्या आ जाता है इसके अंदर अगर हम बात करें, तो एक तो हमारा आ जाएगा, एक तो हमारे क्या आ जाएगा इंटर फर्म कंपैरिजन, हम दो तरीके करते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म की कंपैरिजन करेंगे भाई, कोई ए है ठीक है और बी है, उनके बीच में हम क्या कर रहे हैं कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद में सेकंड आ जाता है हमारा इंट्रा फर्म, इंट्रा फर्म इंट्रा फर्म की बात कर रहे हैं कि इंट्रा फर्म, इंट्रा फर्म कंपैरिजन, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं एक ही फर्म में, मतलब सेम फर्म में, यहां पे सेम फर्म है ठीक है, बट ईयर ईयर
डिफरेंट हैं, जैसे 11 12 और 12 13, तो इस ढंग से हम यहाँ पे यह कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ तक आपके आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब लास्ट पॉइंट हमारा एक रह गया है, ठीक है, सॉरी टू पॉइंट अभी हमारे रह गए हैं, तो ये फोर पॉइंट आपके डिस्कस कर लिए हमने, समझ में भी आपके आ गया हो। चलिए इसे अब मैं रेज कर रहा हूँ। फिफ्थ पॉइंट है, फैसिलिएट लॉन्स। फैसिलिएट लॉन्स मतलब क्या है भाई? लॉन वगैरह जो होते हैं हम फर्म में, ठीक, क्योंकि हम जब अकाउंटिंग करते हैं तभी हमें पता लगता है कि कितने पैसे की हमें कितनी कैपिटल की नीड है, उसके आधार पे हम क्या है लॉन्स ले सकते हैं। सिक्स, एविडेंस इन कोर्ट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट। अगर पार्टनर्स या कंपनी के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट होता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो एविडेंस होते हैं वो यही होते हैं, जो अकाउंट्स बुक्स होती हैं, ये हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, एविडेंस होते हैं, ठीक है, कोर्ट में सबमिट करने के लिए। तो एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग हम डिस्कस कर चुके, अब हम लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है, तो अब लिमिटेशंस भी कुछ होंगी हमारी, तो लिमिटेशंस को अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। नंबर वन है अकाउंटिंग नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। तो ये जो हमारी लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग नॉट फुल्ली एग्जैक्ट की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार से एस्टीमेट्स, एस्टीमेट्स होता है, इसे हम फुल्ली एग्जैक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि आपको पता है विंडो ड्रेसिंग वगैरह, और हम अपने फायदे के लिए उसमें 420 भी करते हैं, तो इसलिए ये अकाउंटिंग नॉट फुल्ली एग्जैक्ट है, एस्टीमेट हो सकता है हमारा, ठीक है। नंबर दो, एस्टीमेट की अगर जब आपको नहीं पता तो एस्टीमेट आप सब जानते हैं क्या होता है, जब हम कोई काम करते हैं तो उससे पहले हम क्या बनाते हैं, उसका एस्टीमेट बनाते हैं, कितना खर्चा होगा क्या होगा वो, तो उसी को हम एस्टीमेट बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाता है इट, इट्स इग्नोर्स प्राइस लेवल चार्जेस, प्राइस लेवल चार्जेस, तो अगर हम ये कहते हैं इट इग्नोर प्राइस लेवल चार्जेस, प्राइस लेवल चार्जेस की बात करें, मान लो जैसे बिल्डिंग हमारी कितने की थी, बिल्डिंग हमने करी
बिल्डिंग हमने परचेज करी 10 लाख, 10 लाख की परचेज करी, ठीक है, और मार्केट वैल्यू हमारी उसकी, मार्केट ये तो हमारी क्या है, परचेज हमने 10 लाख, लेकिन मार्केट वैल्यू हमारी जो है, मार्केट वैल्यू उसकी 18 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, लेकिन हमें रिकॉर्ड क्या करना होगा, यही जो हमने खरीदी है, ठीक है, वही प्राइस हम क्या करेंगे, वैल्यूएट करेंगे, वही हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, इसीलिए हमें कहा जा रहा है इट्स इग्नोर प्राइस लेवल, मतलब जो प्राइस चेंजेस होते हैं उसे हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में है थर्ड पॉइंट है, इट्स इग्नोर्स क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट, क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट को क्या करता है ये, उसे भी इग्नोर करता है, कैसे देखिए, हम जो भी चीज़ मेजर कर रहे थे वो किस में कर रहे थे, मनी टर्म, मॉनेटरी टर्म में, मनी वैल्यू में कर रहे थे, लेकिन अगर हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, एफिशिएंट है, तो हम उसे क्या, हम कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ स्टाफ, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, तो क्या हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसीलिए कहा जा रहा है इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट, मतलब जो क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट होते हैं वो हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारा पॉइंट आ जाता है विंडो विंडो ड्रेसिंग, अब ये वाली ड्रेसिंग मत समझ लेना, ठीक है, एक ड्रेसिंग टेबल होता है, एक ड्रेसिंग होती है जो हम पट्टी वगैरह करते हैं जब हमारी चोट फेट लगती है, विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है जो हमारे अकाउंटिंग जो की गई है उसके साथ मैनिपुलेशन, छेड़छाड़ की गई है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जो अकाउंटिंग, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ इस पॉइंट को, फोर्थ पॉइंट था हमारा, फोर्थ पॉइंट था हमारा विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग की बात की जा रही, विंडो ड्रेसिंग में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग जो हमने की है उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, अपने हिसाब से उसे एडजस्ट करते हैं अमाउंट्स को, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अकाउंटिंग मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट एंड शोइंग द हायर हायर प्रॉफिट, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉफिट को बढ़ा करके दिखाने का काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अपने हिसाब से हम फायदे को या घाटे को चेंज करते हैं, तो ये हमारी हो गई लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये फोर्थ पॉइंट था इसका, और इसके ही साथ हमारा आज का ये चैप्टर जो था, हम अकाउंटिंग सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, या पूरा नाम हमारा चैप्टर का है मीनिंग ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारा फिनिश हो गया है, अगर आपको इसमें कुछ लगता है, कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कर करके बता दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर डिस्कस कर दूंगा वो। अच्छा, एक चीज़ रह रही थी जो शायद मुझे लगता है आप लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी, मैं उसे कर दूँ
डिस्कस यहाँ पे अच्छा रहेगा। चलिए, क्योंकि चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, तो जो डाउट मुझे लग रहा है कि आपको होगा वो मुझे यहाँ पे क्लियर कर देना चाहिए। तो चलिए हम डाउट को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन में आया था एक के दो पॉइंट आए थे जब हमने शुरुआत करी थी, तो एक हमारा लास्ट में आया था जो इंटर हम कम्युनिकेटिंग करते हैं तो किसे किसे करते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखे था पहला हमारा जो था वो था इंटरनल यूजर्स, इंटरनल यूजर्स, और सेकंड था हमारा, दूसरा था हमारा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। तो इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैं इन्हें यहाँ पे आपको क्लेरिफाई कर दूँ। ये इंटरनल यूजर्स की अगर बात करें तो इंटरनल यूजर्स में हमारे कौन कौन आते हैं, इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आते हैं वो डिस्कस करूँगा। इंटरनल यूजर्स हमारे जो होते हैं उसमें कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ वर्डों में बात कहना चाहूँ तो हु हैव ए डायरेक्ट इंटरेस्ट, डायरेक्ट इंटरेस्ट, जो डायरेक्ट इंटरेस्ट रखते हैं किसमें, बिजनेस में, इन बिजनेस, वो हमारे क्या हो जाते हैं, तो डायरेक्ट जो हमारे इंटरेस्ट रखते हैं वो कौन हो जाते हैं अगर इसकी हम बात करें तो हमारे कौन कौन हो जाते हैं, एक तो हमारा हो गया ऑनर्स, ऑनर्स हो गए, एंड सेकंड हमारा हो गया मैनेजमेंट, तो ऑनर्स एंड मैनेजमेंट हो जाते हैं हमारे जो क्या करते हैं डायरेक्ट इंटरेस्ट रखते हैं बिजनेस में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड वाला जो हमारे क्या था एक्सटर्नल यूजर्स, तो एक्सटर्नल यूजर्स की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल यूजर्स में हमारे कौन कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स में तो एक्सटर्नल यूजर्स हमारे अगर बात करें तो यहाँ पे आता है हु हैव Who have present? Who have present or future interest? Future interest in the businesses. ठीक है, future interest in the business जो फ्यूचर इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसमें हमारे कौन कौन आ जाते हैं, नंबर एक इन्वेस्टर, नंबर दो क्रिएटर्स, नंबर तीन एम्प्लॉयज, नंबर चार गवर्नमेंट्स एंड देयर एजेंसीज पब्लिक एंड लास्ट वन पब्लिक हो गया। अच्छा, यहाँ तक हमारे थर्ड तक आपको वो
सीन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा था गवर्नमेंट, फोर्थ पॉइंट था हमारा गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, एजेंसीज, और फिफ्थ था हमारा पब्लिक, और लास्ट था हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो थे कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स जो हमारे बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स होते हैं। कौन होते हैं? कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स ही है हमारे। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, पब्लिक, और फिर गवर्नमेंट, पब्लिक और कॉम्पिटिटर, जो कॉम्पिटिटर होते हैं हमारे बिजनेस के। तो आई होप आपके ये चैप्टर समझ में आया होगा, और यहाँ पे ये चैप्टर आज फिनिश हो गया है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो मुझे कमेंट कर करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।